हे गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग canva.com जो कि एक वेबसाइट है उसका यूज़ करके हम अपने YouTube वीडियोस के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। इस टॉपिक पे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग उस वेबसाइट पे हिंदी में टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने थंबनेल के ऊपर एंड उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी canva.com खोल रखा है। मैं यहाँ पे आपको, आप अगर आओगे तो यहाँ पे आपको साइनअप करना होगा एंड देन आप लॉगिन कर पाओगे। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आप जाओगे canva.com पे एंड उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा लॉगिन एंड साइनअप का, तो आप साइनअप पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप अपने ईमेल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है एंड ये आपसे आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा, आपको वो देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आप साइनअप कर लोगे। उसके बाद आपको आना है एंड लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ राइट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट डिज़ाइन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। हम यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद हमारे सामने जो इंटरफेस खुलेगा वो ये रहेगा। यहाँ पे हमें अपना थंबनेल बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ बैकग्राउंड में एंड यहाँ पे मैं ब्लैक ले लेता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ टेक्स्ट में एंड यहाँ से एक हम टेक्स्ट ले लेंगे, मैं ये वाला ले लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ लिख लेंगे। एंड इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लूँ। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके जहाँ हमें प्लेस करना है प्लेस कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके एंड यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। कौन सा, सपोज ये ऑरेंज कलर, तो ये हो गया। एंड अगर आपको यहाँ से हम टेक्स्ट भी अपना सिलेक्ट, टेक्स्ट भी चूज कर सकते हैं कि फॉन्ट कैसा होना चाहिए। टेक्स्ट का फॉन्ट यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। ओके, अब जो हमारा मेन मेन कंसंट्रेशन है इस वीडियो का वो ये है कि हम लोग यहाँ पे हिंदी में टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम जाएंगे यहाँ से गूगल ट्रांसलेटर में एंड यहाँ बस गूगल ट्रांसलेटर आप लिख के सर्च करोगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ से हमें ये इंग्लिश जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में करना है, हिंदी हम चूज कर लेंगे एंड अब यहाँ यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे हिंदी में दिखाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ अपना नाम, आप देख लो ये हिंदी में लिख दिया। अब इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे आप देख लो इसको इसने हिंदी में लिख दिया। हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ आएंगे एंड यहाँ से एक और टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम अपने साइज़ के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से कोई फ़ोटो बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो या फिर कोई, जैसे कि ये मेरा सपोज लो आपको मुझे ये लगाना था, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। इसके बाद हम इसे रिसाइज कर लेंगे यहाँ से
मुझे ये रखना नहीं, मैं इसे डिलीट करता हूँ। मान लो कि मुझे ये इंस्टाग्राम वाला फ़ोटो चाहिए, मैं इसे बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके ना है। अब उसके बाद ये इसका हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका ट्रांसपेरेंसी है उसको कम कर लेंगे। यहाँ से हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये कितना दिखे हम लोग को उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि इतना सही रहेगा। सो ऐसे फिर से ये आप देख लो, ये सब PNG फाइल फॉर्मेट में है, बट इनका जो ये मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किया है एंड इनका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इनको कहीं भी रखोगे तो ये सिर्फ ऐसे ही दिखेंगे। ये जैसे कि ये देख लो आप लोग, यहाँ पे इसका भी ट्रांसपेरेंट ही है बैकग्राउंड, आप देख सकते हो। तो ऐसे इमेजेस को कहाँ से डाउनलोड करें, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, मैं वो बता दे रहा हूँ आप लोग को। उसका नाम मेरा stickpng.com करके, stickpng यहाँ पे आ गए। यहाँ पर से आप देख सकते हो कि कितने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सारे जो भी हैं ये सारे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के हैं, इनको आप डाउनलोड करके एंड यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे, मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब, तो आप देख लो इतने सारे आ गए। इनको डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करो आप, ये ऐड आएगा, इसको कट कर देना है। एंड यहाँ राइट साइड में नीचे में आप देख लो, यहाँ पे यह डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेकंड्स चलेंगे, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, ये जैसे ही कंप्लीट होगा आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। 2 सेकंड, 1 सेकंड, ओके, यहाँ पर हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से अपने इसमें अपलोड करना है तो यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूँगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। आप देख लो यहाँ पे आ चुका है हमारा। एंड उसके बाद मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा एंड ये यहाँ पे आ चुका है। अब ये मेरा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का है, मैं इसे कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको रिसाइज भी कर सकते हो यहाँ पे। एंड बाकी सारे चीज़ मैंने दिखाई दी आप लोग, टेक्स्ट कैसे डालने हैं, यहाँ से साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाते हैं आपको। एलिमेंट्स में यहाँ पे आओगे तो ये सर्कल हो गया, इसका भी यूज़ कर सकते हो फिर से ये हो गया, इसका यूज़ मैंने किया हुआ है अपने थंबनेल में, आप देख सकते हो ऐसे करके। एंड यहाँ पे कुछ मेन चीज़ आपको अपने वीडियो की दिखानी होगी, जैसे कि तो यहाँ पर हम लोग इसको इसका साइज़ बड़ा करके एंड यहाँ पे जैसे कि कोई टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया लाइक 2021, इसका साइज़ बड़ा कर लूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं एंड इसके बाद इसको यहाँ पे रख देंगे। एंड फिर इसके बाद इसको बोल्ड कर देंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने कुछ थंबनेल्स पे ऐसे करके बनाया हुआ, तो आप वहाँ से ओके सो ऐसे करके आप बना सकते हो। एंड जितनी सारी चीज़ें थी मैंने आप लोग को बता दिया है। या फिर यहाँ पे एक एनिमेट का भी आता है ऑप्शन, जैसे कि
क्या सेलेक्ट करने पे, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स भी यहाँ आपको मिल जाते हैं कि टेक्स्ट कैसा होना चाहिए आपका, कर्व भी कर सकते हो आप इसको ऐसे। यहाँ से भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, अंडरलाइन या फिर ये अपर केस लोअर केस। फिर से यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी इसका कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसका भी टेक्स्ट का भी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, एज वेल एज मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।